अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मंजूर तो वसम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ हैरियत से होंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो फर्स्टली कि किस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रहा था कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अगली वीडियो में बताऊंगा किस वजह से व्लॉग नहीं बना रहा था। तो फर्स्ट बात ये थी कि तकरीबन एक हफ़्ता पहले वीक में वैसे फ्री रहता हूँ ताकि अगले वीक से वीडियो बनाया करूँगा। तो इसी तरह एक वीक गुजर गया, दूसरे वीक में ऑपरेशन गले का कराया, ट्रांसप्लांट का। तो उसके बाद 20 डेज निकल गए घर में। तो इसी तरह एक महीना गुजर गया जिसकी वजह से व्लॉग नहीं बना था। बस इतनी सी कहानी थी। बाकी रही आज का व्लॉग, आज का व्लॉग बहुत बड़ा तो नहीं है, एक गाड़ी का रिव्यू है, नई ली थी उसके ऊपर रिव्यू है। तो देखें, पहले मैं आपको रिव्यू दिखाता हूँ, बाद में आपको फीचर बताऊँगा, तो उसके बाद वीडियो को एंड कर दूँगा। ठीक हो गया। सो वेलकम बैक टू द चैनल। रिव्यू आपने देखा कि किस तरह का था, बाकी मैं दिखाता हूँ कि मॉडल कौन सा है और किस तरह की गाड़ी है। सबसे पहले आप इंटीरियर चेक करें, सारा ही दूसरा क्या कहते हैं कि सुजुकी की कॉपी है। फर्स्ट सुजुकी जो थी तकरीबन लगभग अभी आ रही है 9 लाख की लगभग, तो ये भी आ रही है 11 लाख की। ये मास्टर कंपनी की है, मास्टर मोटर वालों की है। बाकी मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ, इंटीरियर चेक करें गाड़ी के अंदर से, इंटीरियर चेक करें किस तरह का है। बाकी स्टीयरिंग जो है पावर है, ये सुजुकी की कॉपी है बिल्कुल। गाड़ी का मॉडल कौन सा है, आप जो गाड़ी का नाम और मॉडल चेक करें। चंगान गाड़ी का नाम है, कंपनी का लगाया हुआ लेबल, तो M9 गाड़ी का नाम है। उस सुजुकी का नाम रावी होता है और चेक करें इंटीरियर, स्टीयरिंग 5 गियर है इसकी। बाकी इसके अलावा हीटर है, टेप वगैरह वही उन्होंने लगाई हुई है। और बाकी मीटर उसका 120 है, इसका 180 है। गाड़ी में मैं कहता हूँ कि काफ़ी टाइम हमने सुजुकी भी चलाई है, लेकिन इससे अच्छी गाड़ी लाइफ में कभी नहीं देखी। बहुत ही अच्छा इंटीरियर है, इसके अलावा बहुत ही अच्छी गाड़ी है। सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपने इंटीरियर वगैरह देखा, काफ़ी लुक भी बहुत अच्छी है इसकी सुजुकी के मुकाबले में। बाकी बहुत अच्छी गाड़ी है इस लिहाज से भी, और बाकी मीटर के लिहाज से भी बहुत अच्छी गाड़ी है। तो उस गाड़ी का जो है वो 800 cc है और ये 1000 cc है। वेट के हिसाब से भी बड़ी है और हाइट और लेंथ के हिसाब से भी बहुत बड़ी गाड़ी है। देखी होगी आपने सुजुकी, इस मुकाबले में सुजुकी बहुत छोटी होती है। तो बाकी आपने वीडियो देखी, आगे भी वीडियो आती रहेंगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हाँ, और एक बात रहेगी, अगर वीडियो देखी वीडियो पसंद आई हो और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।